तलेन बस स्टैंड पर ब्रह्मा कुमारी दीदी द्वारा शिवरात्रि महोत्सव कार्यक्रम में नायब तहसीलदार अरविंद दिवाकर, थाना प्रभारी कैलाश भारद्वाज, नगर परिषद अध्यक्ष सीमा संजय बटार, प्रमोद पवार, हुकुम सिंह राजपूत, ब्रह्मा कुमारी लक्ष्मी दीदी अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर शिवरात्रि महोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। बच्चों का रंगारंग कार्यक्रम और 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा कर एवं शिव का ध्वज लहराया गया। ब्रह्मा कुमारी लक्ष्मी दीदी ने महाशिवरात्रि का अर्थ बताते हुए कहा, परमात्मा शिव निराकार है, हम परमात्मा शिव के लिए रात्रि शब्द क्यों लगाते हैं, अन्य किसी देवी देवताओं के लिए रात्रि शब्द नहीं लगाते हैं। जैसे रामनवमी है, दुर्गा अष्टमी है, कृष्ण जन्माष्टमी है, इसी प्रकार से परमात्मा शिव के लिए शिवरात्रि शब्द लगाते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे मनुष्य, आत्मा इन बुराइयों रूपी बेलपत्री व अर्क में फूल तुम मुझ पर अर्पित कर दो और मेरे अंदर के जितने भी अच्छे गुण हैं, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता से अपने जीवन को सुंदर बनाओ। वास्तव में परमात्मा हमारे लिए संसार को सुंदर बनाकर गया था। यह संसार सुंदर था जिसको स्वर्ग कहते थे। यह 12 सोने की चिड़िया थी। इस मौके पर चंद्र सिंह यादव, लक्ष्मी नारायण यादव, शिव प्रसाद शर्मा, काजल सोनी, रामकिशन प्रजापति, मान सिंह यादव आदि महिला, पुरुष, बच्चे मौजूद थे। त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव कार्यक्रम का संचालन मुकेश चंदेल ने किया। सभी के जन्म दिवस पर हम या तो नवमी को लगाते हैं, रामनवमी कहते हैं, दुर्गा नवमी कहते हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, लेकिन कभी भी किसी भी देवी देवताओं के लिए रात्रि शब्द नहीं लगाते। तो वास्तव में परमात्मा शिव के लिए ही रात्रि शब्द क्यों लगाई गई, जरूर कोई रहस्य होगा। कहते हैं कि जब ये संसार पुनः एक स्वर्ग की भांति था, जिसमें हम सभी मनुष्य आत्माएं एक सद्गुणों से भरपूर, ये हमारा जो भारत है, एक सोने की चिड़िया, एक सुंदर सा स्वर्ग कहलाता है। ब्रह्म कुमारी मिशन विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम सिंध प्रांत में 1930 में लेखराज कृपलानी जी ने की थी। 1930 का समय वो समय था जो भारतीय इतिहास और भारतीयों के लिए बड़ी संघर्षपूर्ण और तनाव का वातावरण था, क्योंकि उस समय भारत अंग्रेजों की गुलामियों से जकड़ा हुआ था और तमाम कुरूतियाँ, अंधविश्वास, हिंसा का माहौल, तनाव का माहौल, सांप्रदायिक तनाव, ये सभी परिस्थितियों से गुजर रहा था। उसी समय विश्व को एकता का संदेश